ढाई घंटे राजस्थान के युवाओं, ढाई घंटे निर्मला सीतारमण। राजस्थान में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली में राहुल गांधी की ओर से हिंदुत्व के मुद्दे को उठाए जाने के बाद देश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई। एक बार फिर प्रदेश में हिंदुत्व की गूंज सुनाई दे रही है। प्रदेश में दो जिलों में हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने से जुड़े बवाल सामने आए हैं। पहला मामला भीलवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल रूपपुरा का है। यहां एक महिला टीचर पर विवादित किताब बांटने का आरोप लगा। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने यहां स्कूल पर ताला जड़ दिया। विवाद बढ़ता देख मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने भी महिला टीचर पर तुरंत कार्यवाही करते हुए उन्हें APO कर दिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपपुरा में ग्रामवासियों ने आज सुबह स्कूल का गेट बंद कर दिया और शिकायत की कि यहाँ के किसी अध्यापिका ने बच्चों को अवांछनीय सामग्री वितरित की है। इस संबंध में ग्रामवासियों से शिकायती पत्र प्राप्त किया और उनको संतुष्ट करके स्कूल के ताले खुलवा दिए हैं। बच्चे व्यवस्थित क्लासेज में हैं। इसी तरह श्री गंगानगर के गांव भगवानगढ़ में एक सरकारी स्कूल के टीचर की ओर से शिवरात्रि व्रत को अंधविश्वास बताने का एक ऑडियो वायरल हो गया। इसके बाद मचे बवाल की वजह से टीचर को माफी मांगनी पड़ी। दोनों ही घटनाओं में टीचर्स पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। वहीं इन घटनाओं ने प्रदेश में एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे को गर्मा दिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।